पूर्व केंद्रीय मंत्री महारानी परनीत कौर 13 और 14 फरवरी को दो दिन की जीरकपुर में सभी कांग्रेसी वर्करों के साथ मीटिंग की। महारानी परनीत कौर की जीरकपुर इतनी लंबी मीटिंग को आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव व जिला मोहाली के प्रधान एडवोकेट दीपिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते हुए हर पार्टी अपने क्षेत्र में काम करने में लगी हुई है और जब मुझे टिकट मिलेगी मैं भी अपने क्षेत्र में पूरा जोर लगाऊंगी। फिलहाल मुझे अभी तक पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है। जो हाईकमान का फैसला होगा, जिसको टिकट देगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे और पूरा जोर लगाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब का बजट होगा, ये पंजाब के और पंजाब के लोगों के हित के लिए ही होगा। जैसे ऑपोजिशन पार्टी अकाली दल, जो कि ऑपोजिशन में भी नहीं है, फिर भी उनका काम है विरोध करना और वह विरोध करते रहेंगे, मगर पंजाब का जो बजट होगा आम जनता के लिए फायदेमंद होगा। देखो, इलेक्शन की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह इत्थे लड़ना है और जीतना है और ये हर एक पार्टी इलेक्शन तो पहले गतिविधियां ज्यादा वध दियां, पर साडी गतिविधियां जल्दी असी हैगे हैं। कांग्रेस की सरकार आई और उस तो पहले भी गतिविधियां हर एक पार्टी दियाँ जारी रहिंदियां ने, कभी वध दियां कभी घट दियां, पर बंद नहीं होंदियां कभी। हुण जिहड़ा मुख मुकाबला होगा तुहाडे डॉक्टर गांधी कर दे, किहदे विच होगा ये मैनू पता नहीं। मेरा भी टिकट जब हाईकमांड अनाउंस होगा तद ही असी कह सकते हैं। हुण तां पार्टी के तौर के उत्ते असी काम कर रहे हैं। हजे तक कोई थापड़ा नहीं मिलेगा जिस चीज़ का राहुल गांधी वालों जां सैक्रेटरी थापड़ा कोई नहीं होंदा। जब अनाउंसमेंट होंदी है कोई प्रोगेटिव कांग्रेस प्रेसिडेंट का होंदा, जिहड़ियां पार्लियामेंट दियां इलेक्शनस ने बोर्ड बैठता कांग्रेस प्रेसिडेंट बैठता और उदो अनाउंस होंदा, वो अपने टाइम पर होगा। और जिहड़े जिन्होंने आना है इस मैदान दे विच वो अपनी अपनी पार्टी अपनी भेजणगे, सब अपना पूरा जोर लाणगे। लुधियाना दे विच जिहड़ा इक गैंग रेप होया हैगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कित्थे हैगी आ, कांग्रेस गवर्नमेंट की कर रही है, पुलिस की कर रही है, कि एडा वड्डा इक दुखदाई घटना वापर गई। देखो कल इहदे उत्ते मुख्यमंत्री साहब ने देता है जवाब विधानसभा दे विच। मैं गवर्नमेंट नहीं है, मैं MLA नहीं है, पर नहीं मेरी ये गल हैगी है कि जरूर ये पूरा ये उत्ते जोर ला के जेड़े दोषी ने उन्होंने पूरी सख्त तो सख्त सजा देनी चाहिए है।